महर्षि गौतम छात्रावास समिति केत की चौकी अग्रसन बाजार कोटा द्वारा श्री महर्षि गौतम छात्रावास एवं संस्कार केंद्र निर्माण समारोह का आयोजन रविवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। संस्था संरक्षक पंडित बद्री प्रसाद गौतम ने बताया कि इस कार्यक्रम की भव्यता ने समाज को एक सूत्र में पिरो दिया है। समिति द्वारा पहली बार निकाली गई शोभा यात्रा में उत्साह, उमंग और हर्ष देखते ही मन बन रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं पारंपरिक परिवेश में भगवान जगन्नाथ एवं महर्षि गौतम के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। गौतम ने बताया कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटा संभाग के सभी समाज बंधुओं की उपस्थित रही। वहीं शोभा यात्रा की महर्षि गौतम सर्कल टीवीएस चौराहा से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई ओसीएफ डी सेकंड व थर्ड संस्कार केंद्र श्रीनाथपुरम पर संपन्न हुई। संयोजक हीरेन्द्र शर्मा, सह संयोजक दिनेश शर्मा मौली ने बताया कि शोभा यात्रा का मुख्य मार्ग पर स्वागत द्वार लगाए गए थे। वहीं पुष्प वर्षा कर एवं खाद्य सामग्री वितरण का स्वागत भी किया गया था। वही कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रातःकाल दिनेश मौली परिवार की ओर से श्री महर्षि गौतम एवं माता अहिल्या के मंदिर का निर्माण कार्य का भी श्री गणेश हुआ था। पंडित मुकेश शास्त्री ने आचार्यस्त के कार्यक्रम विधि विधान व शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ था। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और ऐसे शुभ अवसर पर महर्षि गौतम भगवान की माता अहिल्या सहित और भगवान जगन्नाथ जी की श्री महर्षि गौतम छात्रावास समिति केत की चौकी के तत्वावधान में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है आज गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के लिए कि बरसों पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है। कोटा का नाम शिक्षा नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और पूरे देश से यहाँ पर बच्चे आकर के कोचिंग करते हैं। कोचिंग छात्र यहाँ आकर के परेशानियाँ कहीं उठानी पड़ती है। आज ये जो बीड़ा उठाया है महर्षि गौतम छात्रावास समिति के अध्यक्ष बालचंद जी फौजी, महामंत्री मनोज जी गौतम और उनके नेतृत्व में संयोजक के पद पर जो हिरण जी शर्मा को नियुक्त किया है और सह संयोजक में मनोज जी गौतम एडवोकेट और सह संयोजक दिनेश जी मौली मिलकर के पूरी टीम के साथ में पूरे समाज को साथ लेकर के आज ये निर्माण कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा दिवस के ऊपर महर्षि गौतम छात्रावास समिति अग्रसेन बाजार केत की चौकी के तत्वाधान में एक जगन्नाथ जी की यात्रा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा महर्षि गौतम सर्किल से होती हुई महर्षि गौतम छात्रावास समिति एवं योग संस्कार केंद्र भूखंड संख्या 2 और 3 पर पहुंचेगी। ये यात्रा जो निकालने का उद्देश्य हमें जो पूर्व में जो भूखंड मिला हुआ है उस भूखंड के ऊपर किस तरह से निर्माण कार्य आगे कराया जाए।